देखते ना राधिका, तुम्हारे उंगलियों के निशान वाले ग्लास से मुझ पर वार किया गया है। अब देखते हैं कि देव क्या कहता है। मुझसे पहले यहाँ कैसे पहुंच सकती है? परेशान क्यों हो? राधिका, मैं साथ देखकर नाराज। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब क्या है? जरूर इस पानी में राधिका ने कोई दवाई मिलाई होगी जिससे मुझे ये सब भ्रम हुआ। यानी मैंने ना तो ग्लास तोड़ा है ना ही अपना हाथ काटा है। क्या सोच रही हो बरखा? तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ बरखा। राधिका ने हमें एक साथ देखा, पर ना ही उसे शक हुआ और ना ही उसे दुख हुआ। दुख क्यों होगा? आप दोनों दोस्त हैं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से सहारा मांगा और गले लग गए। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि बरखा के मन में कुछ गलत था। राधिका तो जानती भी नहीं थी कि उसकी परीक्षा ली जा रही है, फिर भी उसने शक नहीं किया। मेरा विश्वास जीत गया बरखा, है ना? हाँ। परीक्षा? लेकिन किस लिए? बरखा को अभी भी लग रहा था कि तुम उसे लेकर असुरक्षित महसूस करती हो, इसलिए उसने तुम्हारी ये परीक्षा ली थी। और वो चाहती थी कि तुम इस परीक्षा में खरी उतरो और वो सच्चे दिल से तुम्हें माफ कर दे। तुझे मुझ पर शक था बरखा, अपनी सबसे प्यारी सहेली पर? हम तो 15 सालों से दोस्त हैं, तू तो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। प्यार, दोस्ती, विश्वास, इन सब का पाठ हमने एक साथ गुरुकुल में पढ़ा है, फिर भी तुझे मेरी परीक्षा लेने की जरूरत पड़ी। खैर, अब तो तुझे मुझ पर शक नहीं है ना? तेरा शक दूर हो गया ना? जरूर हो गया राधिका, अब तो शक का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना बरखा? बोलो बरखा, क्या सोचा है तुमने? क्या फैसला है तुम्हारा? तुम राधिका को माफ कर रही हो ना?
आज के दिन का सूरज ढलने से पहले तुम्हें राधिका को माफ करना ही होगा बरखा, वरना मैं तुम्हारी सूरत देखूंगा ही नहीं। बोलो बरखा, क्या सोचा है तुमने, क्या फैसला है तुम्हारा? तुम राधिका को माफ कर रही हो ना? हद होती है बरखा, तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारा साथ दूं ताकि तुम्हारा शक दूर हो सके। अब जब सारी बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है तो तुम कुछ बोल ही नहीं रही हो। ऐसे चुप खड़े रहने से कुछ नहीं होगा बरखा। नहीं, पर हो सकता है राधिका को पता चल गया हो कि हम नाटक कर रहे थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम ऐसी बातें कर रही हो बरखा, क्या हो गया है तुम्हें? बात हमारे बीच में हुई थी तो राधिका को कैसे पता चलेगा? क्या आप तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने पहले से ही राधिका को बता दिया था? राधिका के साथ साथ अब तुम्हें मुझ पर भी शक है? बहुत बड़ी गलती की मैंने ये पढ़ लेकर कि मैंने ये फैसला लिया कि जब तक तुम राधिका को माफ नहीं करोगी मैं राधिका को पत्नी का दर्जा नहीं दूंगा। पर मैं अब तुम्हारी जिद और बर्दाश्त नहीं करने वाला बरखा। आज के दिन का सूरज ढलने से पहले तुम्हें राधिका को माफ करना ही होगा बरखा, वरना मैं तुम्हारी सूरत देखूंगा ही नहीं। और यह फैसला उस इंसान ने लिया है जिसने राधिका के साथ सिर्फ साथ फेरे ही नहीं बल्कि साथ वचन भी दिए। और वो सिर्फ राजपुरोहित ही नहीं बल्कि राधिका का पति भी है। मैं तुझे ऐसे बार बार अपनी चाल बिगाड़ने नहीं दूंगी नकली राधिका। तो फिर ऐसी चाल चलती ही क्यों बरखा? विधि के विधान को मान क्यों नहीं लेती? समझ क्यों नहीं जाती कि हार मानने में ही तुम्हारी भलाई है? सर झुकाकर स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि देव और राधिका के बीच में आना तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी? अभी तो बस मैं अपने परम भक्त राधिका को जीतते हुए देखना चाहता हूँ। बरखा ने राधिका को देव की नजरों में गिराया था और आज खुद ही बरखा देव की नजरों में गिर गई है। मैंने बरखा का ही दाव बरखा के ऊपर चलाया है दाव। अब बरखा को समझ आ गया है कि देव उसका कभी था ही नहीं। देव और राधिका का प्रेम हर परीक्षा में खरा उतर सकता है। फोन उठाइए, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपकी जरूरत है। लगता है मुझे आपसे मिलने ही आना होगा।
बाबा कैसे हैं आप? तेरी दुआओं से सब कछु ठीक है बिटिया। तूने जो वरदान जिनू को दियो है ना, उसके कारण घर के दिन फिर गए। तू यहाँ आवेगी ना तो घर पहचान में ना आवेगो तो उसे। अभी कछु देर पहले ही घर में फोन लग गए रहा। सबसे पहले तो कोई फोन लगायो है बिटिया? अरे मैंने सुना फोन वाले फोन लगाए के गए। मेरे के लिए बाजार का गई, इतना बड़ा काज हो गया घर में। अरे बिटिया तेरी अम्मा है। बिटिया मैं तो से बाद में बात करता हूँ, हाँ अपना ख्याल रखिए। जी जी बाबा। राजगिरी घर में फोन लगा ना कि सबसे पहले मिला दिया हुआ भगन छोरी को। अरे देख लेंगे। मैं किसी के बाप से नहीं डरता। मनसाराम समझाए ले अपने बेटे को, बहुत जबान निकल आई है कि मेरे छोरे को भिखारी कह रहा था केवल इसलिए कि उसका जूता आगे से थोड़ा फट गया था। भिखारी नहीं तो क्या महाराजा कहूं? इधर कहीं का मेरी बराबरी करने चला था। मेरा छोरा मेहनत करके चार पैसे घर लाता है, जूता फटा ही सही पर उसकी मेहनत की कमाई का है। वही तो, तेरा बेटा मेहनत की कमाई से फटे जूते लेके आता है। मैं मेहनत की कमाई से देख क्या क्या नहीं लाया। मेरे मुकाबले तेरा बेटा भिखारी हुआ ना। इतना घमंड अच्छा नहीं छेनू, एक दिन जब ये सब नहीं रहेगा ना तो काहे ना रहेगा। तू बद्दुआ दे रहा है मोरे छोरे को, तू जलता है उसे उसकी तरक्की से। तोरे जैसे लोगों के लिए ना काली मटकी में भूत लगा के टंगवाऊंगी दरवाजे पर और घुसे ना दूंगी तोरे जैसे लोगन को घर में। अब खड़ा कहा जा ना यहाँ से। हाँ जा रहा हूँ पर मेरी बात याद रखना। हाँ तेरी बात का तो अचार डाल के खाएंगे हम लोग, चल जा। बड़ा बात याद रखना हमारा लाल। मैं राधिका को उके वरदान के लिए धन्यवाद कह रहा पर उके वरदान से तो छेनू के दिमाग में घमंड आ रहा, जाने अब का होवे को। क्या सोच रही हो मछली बहू? मेरी समझ में नहीं आ रहा है दाइमा कि क्या होगा। मैंने भी देखा है कि राधिका बदल गई है लेकिन हमारे घर की परिस्थितियां इतनी उलट सी गई हैं कि कोई सही हल निकालना मुश्किल लग रहा है। राधिका और बरखा दोनों ही इस घर का हिस्सा हैं। एक के साथ न्याय करो तो दूसरे के साथ अन्याय होगा। मछली बहू राधिका और बरखा को एक बराबरी पे ना रखो मछली बहू। राधिका देव की पत्नी है और बरखा वो कुछ भी नहीं। हमने बरखा से राजपुरोहितायन होने का नाटक करने के लिए कहा, एक बार भी नहीं सोचा कि उसके भविष्य का क्या होगा। और दाइमा देव ने बरखा की मांग में सिंदूर भरा है। देव को ये करनो पड़ो क्योंकि राजपुरोहितायन पे लांछन लगेरा। बरखा की मांग में सिंदूर भर के देव ने समाज का मुंह बंद कियो पर हम सब तो जाने रहे ना कि उसे पहले देव राधिका के साथ ब्याह कर ही चुका था। मेरे पति मुझसे पहले छाया के साथ विवाह कर चुके थे पर समाज ने पत्नी का हक तो मुझे ही दिया ना। परिस्थिति दूजी रही मजली को। यहाँ देव और राधिका ने संगमा तय कियो, संगमा फैसला लियो कि बरखा केवल राजपुरोहिता ही कहलावेगी, देव की पत्नी नहीं। रब समय आ गयो है कि देव राधिका को पत्नी का अधिकार दे दे। वो तो राधिका की परीक्षा पर निर्भर होता है, देखते हैं वो सफल होती है या नहीं। राधिका सफल हो चुकी है दाई में। पता था मोरी राधिका सफल होवेगी। तोरा चेहरा काहे उतरो हुआ? दाइमा राधिका साबित कर चुकी है
कि वो बरखा को लेकर असुरक्षित महसूस नहीं करती है। उसके बावजूद भी बरखा ने अभी तक राधिका को माफी नहीं किया। पर का है? पता नहीं दाइवा, उसके पास कोई जवाब नहीं। इसलिए मैंने बरखा से कह दिया है, अगर सूर्यास्त तक उसने राधिका को माफ नहीं किया तो मैं और इंतजार नहीं करूंगा। राधिका को पत्नी का अधिकार मिलना ही चाहिए, ये मेरा राजपुरोहित धर्म भी कहता है और पति धर्म। तो तूने बहुत अच्छा फैसला लिया है लालन, आज तो को तोरा पूरा प्यार मिलेगा। तेरा चेहरा काहे उतर हुआ है लालन? हंस, चल हंस के दिखा। जे बात, आज तो मैं भगवान को राजभोग चढ़ाऊंगी और बहुत अच्छा अच्छा खाना बनवाऊंगी, हलवा, खीर, पूरी, चना सब। और माखन? वो पूरी और चने के साथ अच्छा रहता है, मजा आता है खाने में। कौन को चाहिए माखन? तो को? हाँ, मुझे। क्यों? एलन, तो को मैं पिछले 23 साल से जाने रही, माखन को तो कभी हाथ ना लगायो। राधिका को पसंद है, उसे खाना बस। भाई मां आप भी ना, मुझे मर जाना, इतना सारा काम है, यहां रुक के खड़ा हुआ है, पता नहीं मक्खन खावेगा। कबूतरों के इंतजार में दिन बीत जाएगा कान्हा, कब कबूतर आएंगे, कब हम उन्हें अनाज खिलाएंगे? दाऊ, लगता है कबूतरों के भाग्य में ही ये अनाज नहीं है, ये तो किसी और के भाग्य में लिखा है। थोड़े खिलौने लोगे बिटिया? माई, मेरे पास पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, मैं बड़े चौक तक जाके देखूंगी, वहां कोई खरीदार जरूर मिल जाएगा। इतनी धूप में इतना भार उठाकर बड़े चौक तक जाओगी? बेटा, पेट भरना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अगर इतने खिलौने नहीं बिके तो घर में रात को चूल्हा नहीं जलेगा, कम से कम एक दो खिलौने तो बेचने ही होंगे बेटा। माई, ये अनाज की पोटली ले लीजिए, आज रात का भोजन बन जाएगा। अरे, इतने सारे चावल? बिटिया, इसके बदले में तुम ये सारे खिलौने ले लो। बेटा, खुश रहो। बूढ़ी औरत घर जाके चौंक जाएगी जब देखेगी पोटली भर चावल हीरे जवाहरात में बदल गए हैं। इस औरत ने बहुत मेहनत की है दाऊ, पर फिर भी कभी भगवान से शिकायत नहीं की, हमेशा श्रद्धा से भगवान को याद किया, इसीलिए उसे उसके अच्छे कर्मों का फल तो मिलना ही था ना। और उस बरखा को उसके बुरे कर्म का फल कब मिलेगा कान्हा? अब तो ये समय आ गया है, बरखा राधिका को क्षमा करे या ना करे, देव राधिका को अपना ही लेगा। बस सूरज डूबने की देरी है, वैसे जब देव तुझे राधिका समझकर
पत्नी का अधिकार देगा तब तू क्या करेगा? कुछ सोचा है? उस बात की अभी चिंता नहीं है दाऊ, अभी तो बस मैं अपने परम भक्त राधिका को जीतते हुए देखना चाहता हूँ। बरखा ने राधिका को देव की नजरों में गिराया था और आज खुद ही बरखा देव की नजरों में गिर गई है। मैंने बरखा का ही दाव बरखा के ऊपर चलाया। अब बरखा को समझ आ गया है कि देव उसका कभी था ही नहीं। देव और राधिका का प्रेम हर परीक्षा में खरा उतर सकता है।